डॉक्टर जाकिर हुसैन खान, अब्दुल गफार खान, लियाकत अली खान, नसरुद्दीन शाह, जावेद अख्तर, प्रोफेसर इरफान हबीब, रविंद्र जैन, कैफी आजमी, राही मासूम राजा, ध्यानचंद, लाला अमरनाथ, ये लिस्ट बेहद लंबी है। ये सभी अपने अपने क्षेत्र के दिग्गज हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इन सब में कॉमन क्या है? ये सभी AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्र रहे हैं। ये उस यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जिसने भारत ही नहीं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देशों को उनके सर्वोच्च नेता मतलब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दिए। आलम यह है कि आप समाज के किसी भी क्षेत्र पर अपनी उंगली रखिए और उसके दिग्गजों की लिस्ट बनाइए, वो लिस्ट AMU के बिना अधूरी होगी। वही यूनिवर्सिटी अब सुर्खियों में है। मसला है इस यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक दर्जा रहे या ना रहे, इस पर मुल्क की सर्वोच्च अदालत में सुनवाई जारी है, फैसला वहीं होगा। लेकिन हम बात करेंगे कैसे बना AMU, कैसे इस एक यूनिवर्सिटी ने पूरे उपमहाद्वीप पर कभी न मिटने वाला असर छोड़ दिया। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रविकांत ओझा और आप देखना शुरू कर चुके हैं NDTV इतिहास की अगली कड़ी। बात 1857 में हुए भारत के पहले स्वतंत्रता आंदोलन की है। अंग्रेजों ने इसे बेरहमी से कुचल दिया। उस दौर में 40 साल के शख्स ने अपने घर में अपनी आंखों के सामने तबाह होते पूरे परिवार को देखा। उसके सामने कई संबंधियों का कत्ल हो गया। उसकी मां 7 दिनों तक घोड़े के अस्तबल में छुपी रही। इस तबाही को देखकर उस शख्स के मन में देशभक्ति की लहरें करवटें लेने लगी। उस शख्स को लग गया कि यदि अंग्रेजों से मुकाबला करना है तो शिक्षा को हथियार बनाना होगा, खासकर मुस्लिम समाज में शिक्षा के अलख को जगाना होगा। इसी सोच को लेकर उस शख्स ने अलीगढ़ में मई 1875 में मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की नींव रखी, जो अब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तौर पर हम सबके सामने है। जानते हैं वो शख्स कौन थे? सर सैयद अहमद खान। आप सवाल पूछ सकते हैं, अलीगढ़ ही क्यों? दरअसल सर सैयद अहमद 1830 से ही ईस्ट इंडिया कंपनी में क्लर्क के तौर पर काम कर रहे थे। जिस समय उन्होंने स्कूल की बुनियाद रखी वो अलीगढ़ में ही तैनात थे और यहाँ की आबो हवा उन्हें बेहद पसंद आई थी। इसके अलावा अंग्रेजी मुलाजिम होने की वजह से उनके द्वारा छोड़ी गई कई खाली इमारतें उन्हें स्कूल के लिए आसानी से मिल गई, जिसका इस्तेमाल कर उन्होंने स्कूल को कॉलेज में तब्दील किया। उस समय के वायसराय लॉर्ड लिटन ने स्टैची हॉल के पास कॉलेज का शिलान्यास किया। इससे पहले सर सैयद ने 1859 और 70 में ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का दौरा किया। उनका सपना था कि भारत में पढ़ाई का ऐसा ही माहौल बने, लेकिन ये सब इतना आसान न था। सर सैयद अहमद खां यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए पूरे भारत में घूमे और झोली फैलाकर चंदा मांगा। एक दिलचस्प किस्सा ये भी है कि उन्होंने चंदा जुटाने के लिए लैला मजनू नाटक का मंचन किया, लेकिन शो शुरू होने से पहले ही जिस लड़के को लैला बनना था वो भाग गया। तब खुद सर सैयद अहमद खां लैला बनकर मंच पर आए और नाटक को पूरा किया। यह उनका जुनून ही था कि तब के दौर के तकरीबन सभी बड़ी हस्तियों ने खुले दिल से उन्हें दान भी दिया। मसलन हैदराबाद के नवाब ने उन्हें उनके आग्रह पर 1000 रुपये दान दिए। बाद में नवाब ने कई बार बड़ी रकम दान में दी। बनारस के महाराज ने पहली बार 20,000 और फिर 50,000 रुपये दान दिए। उसके अलावा बनारस के राजा शंभू नारायण ने 60,000, पटियाला के महादर सिंह बहादुर ने 5,00,000 रुपये दान में दिए। बनारस के महाराज तो 2 बार इस संस्थान में बतौर मुख्य अतिथि भी आए। राजा महेंद्र प्रताप ने अपनी जमीन भी यूनिवर्सिटी के लिए दान में दी। बहरहाल 1920 में तब की अंग्रेज सरकार ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था AMU एक्ट। इसी एक्ट से इस संस्थान को नाम मिला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। सर सैयद अहमद खान ने जिस पौधे को रोपा था आज वो कितना विशाल वट वृक्ष बन चुका है, आप इसे भी जान लीजिए। आज की तारीख में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 250 से अधिक विषय पढ़ाए जाते हैं। इसकी शाखाएं उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक फैली है। 1877 में ही यहां लाइब्रेरी की स्थापना हो गई थी, जिसमें दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ साथ करीब 13.5 लाख पुस्तकें मौजूद हैं। यहां मौजूद पांडुलिपियों की संख्या 4.5 लाख है। यहाँ आपको अकबर के समय के फारसी में अनुवाद की गई गीता और महाभारत भी मिल जाएगी। इसके अलावा 1400 साल पुरानी कुरान और तमिल भाषा में लिखे गए भोजपत्र भी इस लाइब्रेरी में मौजूद हैं। इस यूनिवर्सिटी से पढ़ चुके 2 छात्रों को भारत रत्न,
6 को पद्म विभूषण, 8 को पद्म भूषण, 3 को ज्ञानपीठ और 4 सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। इसके अलावा इसने पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश को उसका प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी दिया है। भारत के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल यहीं से निकले हैं। आप बात साहित्य की करें, पत्रकारिता की करें, राजनीति की करें या फिर विज्ञान की ही कर लें, हर क्षेत्र में इस यूनिवर्सिटी ने दिग्गजों को दिया है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को समेटना एक एपिसोड में संभव नहीं है। फिलहाल हम इसका अंत सर सैयद अहमद खां की उस बात से करते हैं जिसमें उन्होंने कहा था, हिंदू और मुसलमान भारत रूपी दुल्हन की दो सुंदर आँखें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।